चैनल, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज जो है मैं आपके साथ ब्लू हेवन मस्कारा और आईलाइनर का जो है रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। बट उससे पहले गाइस, जो भी मेरे चैनल के साथ न्यू लोग जुड़ रहे हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए गाइस, अब वीडियो पर चलते हैं। तो गाइज़, ब्लू हेवन का जो है आजकल काफ़ी सारी चीज़ें जो है लॉन्च हुई जा रही है न्यू पे न्यू, और काफ़ी जो इनके ब्लू हेवन के प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी ट्रेंड में आजकल चल रहे हैं। तो मैंने भी सोचा क्यों ना मुझे भी इन्हें बाय करना चाहिए और यूज़ करके देखना चाहिए, और साथ ही साथ ये इंडियन ब्रांड भी है। तो गाइज़, मैंने जो है यहाँ पर ब्लू हेवन का एक्सट्रीम लेंथ मस्कारा ये मंगवाया, और साथ ही साथ इसका मंगवाया ब्लू हेवन का इंटेंस ब्लैक आईलाइनर। और राइट नाउ मैंने ये दोनों चीज़ें यूज़ की हुई है। तो गाइस, पहले जो है मैं मस्कारा के बारे में बात करना चाहूँगी। तो गाइस, पहले जो है बात कर लेते हैं पैकेजिंग की। तो इस तरह की पैकेजिंग में आपको ये मस्कारा रिसीव होता है, और यहाँ पे ये लगा हुआ होता है इसके अंदर, तो इस तरह से होता है। मैंने इसको निकाल दिया है यूज़ करने के लिए। बाकी जो है बात करते हैं गाइस इसके प्राइस की। तो इसका जो प्राइस है 150 रुपीज़ इसका रियल प्राइस है, बट मैंने इसको purple.com से दिवाली ऑफर में मंगवाया था, तो मुझे जो है ये काफ़ी डिस्काउंट होके जो अच्छे प्राइस पे मिल गया, मतलब 110 तक का आप समझ सकते हो कि इतना प्राइस का मुझे ये मिल गया है। तो काफ़ी मेरी अच्छी बचत हो गई है। अब जो है गाइस, जितना भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे प्रिंट हुई हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और बात करते हैं गाइस की, अब जो ये लोग क्लेम करते हैं और मेरा एक्सपीरियंस इसको लेकर कैसा रहा, क्या इसके जो ये जो इन्होंने गुड पॉइंट्स बताए, क्या ये वर्थी है या नहीं भी है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये लोग क्या क्लेम करते हैं। पहला तो है क्विक ड्राई, वाटरप्रूफ, नो क्लंपिंग, लाइट वेट, और इसका जो नेम है जिससे ये डिफाइन करते हैं कि एक्सट्रीम लेंथ मस्कारा डिफाइंड लॉन्ग लैशेस, ठीक है। और एक और चीज़ इन्होंने बताई है कि अप टू 12 आवर्स तक ये स्टे करता है। तो गाइज, अब मैं बताती हूँ कि मेरा जो रिजल्ट है वो ओके ओके रहा है। वो किस तरह से ओके ओके रहा है, जितना जितने प्राइस में मुझे ये पड़ा है तो उतने प्राइस में जो है वो ठीक है। जो इन्होंने बताया है कि वो, तो इसमें से कुछ भी मुझे इसका रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं लगा। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट से क्विक ड्राई, तो बिल्कुल भी ये क्विक ड्राई नहीं होता है। कुछ टाइम ये लेता है ड्राई करने के लिए। साथ ही साथ ये बिल्कुल भी वाटर प्रूफ नहीं है। ये ना खुद ही निकलना शुरू हो जाता है, तो वाटर का मतलब आप जाने ही दो, ये खुद ही निकलने शुरू हो जाता है, मतलब पता ही नहीं लगता कि आपने मस्कारा भी लगाया हुआ है। साथ ही साथ ये लाइट वेट टेक्स्चर तो इसका बिल्कुल भी नहीं है, इसका थोड़ा हैवी सा टेक्स्चर है और कुछ अजीब सा टेक्स्चर है। मतलब ये जो आप जब इसको लगाते हो ना, तो आपकी ये जो लैशेस है ये चिपकने से लग जाती है। मतलब ये ऐसे नहीं हो करता कि बिल्कुल अलग अलग लैशेस जैसे होती है ना मस्कारा लगाने के बाद, तो बिल्कुल भी नहीं होती है। और जो इन्होंने बोला है कि ये 12 आवर्स से भी ज़्यादा जो है स्टे कर लेता है, तो बिल्कुल भी स्टे नहीं करता है। और जो इसका नाम इन लोगों ने रखा है कि एक्सट्रीम लेंथ मस्कारा, तो बिल्कुल भी ये आपकी जो लैशेज है उनको बिल्कुल भी ये लेंथ नहीं देता है। जब आप इसको अप्लाई करते हो तब तो ये थोड़े टाइम के लिए जो होता है ना कि भाई ये कर देता है, मतलब थोड़े से लेंथ प्रोवाइड कर देता है, बट थोड़े देर के बाद जो है ना ये खुद ही जो है, मतलब इसका पता नहीं क्या सा टेक्सचर है कि वो खुद ही निकलना शुरू हो जाता है। तो जो वो जो लेंथ बनी हुई होती है वो टोटली निकलने लग जाती है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप फुल मेकअप कर रहे हो, आई शेडोज वगैरह कुछ अप्लाई कर रहे हो, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इस मस्कारा को अप्लाई करो, क्योंकि वो आपका आई मेकअप भी बिगाड़ सकता है। बाकी जो गाइस, ऐसा है कि आप इसको डेली पर्पज़ पे जो है आप इसको यूज़ कर सकते हो, अगर आप डेली यूज़ को यूज़ करना चाहते हो। जैसे कई गर्ल्स होती है ना सिर्फ आईलाइनर मस्कारा यूज़ करती है, बाकी आई शेडोज वगैरह ऐसा कुछ अप्लाई नहीं करती है। हाँ, थोड़ा ये टाइम लेगा, तो थोड़ा टाइम के बाद जो है आपको अपनी आईज़ को चेक करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम ये लगाता है ड्राई होने में। तो ये इसके जो है मेरे को बिल्कुल भी अच्छे पॉइंट्स नहीं लगे, जो भी इन्होंने इसमें क्लेम किया हुआ है, तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल बेकार है। बाकी इसके प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, आपको 110 रुपीज़ में जो है इस तरह की चीज़ मिल रही है, तो चलो ठीक है, डेली पर्पज़ के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी ये मेरे लिए तो बिल्कुल भी मेरे पैसे बर्बाद है, मतलब एक तरह से देखा जाए। अब बात करते हैं गाइस आईलाइनर के बारे में। तो आईलाइनर भी सेम हमें इसी तरह की पैकेजिंग में रिसीव होता है, यहाँ पे ये लगा हुआ होता है, ठीक है। और बात करते हैं कि आपको इसका प्राइस क्या मिलता है, तो सेम इसका प्राइस भी 150 रुपीज़ ही है, दोनों का सेम प्राइस है, और मुझे जो है ये डिस्काउंट होके जो है 110 का पड़ गया है। चलो वो अच्छी बात है कि मेरे 40-40 रुपीज़ दोनों में बच गए हैं। बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन आप प्रोडक्ट की पढ़ना चाहते हो, तो पूरा यहाँ पर आपको इन्फो मिल जाएगी, तो आप वहाँ से रीड कर सकते हो।
अब बात करते हैं गाइज कि ये लोग क्या क्लेम कर रहे हैं इस आईलाइनर को लेके भी, और जो इसका रिजल्ट है वो भी मैं आपको दिखा दूंगी अभी। तो ये भी जो है, ये जो इनका फर्स्ट जो इन्होंने नाम रखा है इस काजल आईलाइनर का, इंटेंस ब्लैक आईलाइनर ग्लाइड ऑन, ठीक है। फर्स्ट लिखा है क्विक ड्राई स्मच प्रूफ वाटर प्रूफ लाइट वेट, ठीक है। 24 अप टू 24 आवर्स तक ये स्टे करता है, ठीक है। और वन स्ट्रोक एप्लीकेशन है इसका, ओके जी, ठीक है। तो ये सब कुछ ये जो है यहाँ पे इन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर क्लेम किया हुआ है कि हमारा जो ये आईलाइनर है वो ये करता है। अब मैं बताती हूँ आपको कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और मैंने इसको काफ़ी टाइम तक, मतलब 3-4 बारी जब से ये आया मैंने इसको यूज़, मैंने इसी को ही यूज़ किया है। अब मैं आपको ये बता रही हूँ, मैं जैसे मैंने आपको मस्कारा के लिए बोला कि अगर आप फुल मेकअप करने वाले हो, आई शेडोज वगैरह अप्लाई कर रहे हो, तो बिल्कुल भी ना मस्कारा यूज़ करना, ना अगर आपके पास ब्लू हेवन का आप ले रहे हो सोचने की, और अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो बिल्कुल मत लेना। डेली पर्पज़ के हिसाब से ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ठीक है, और थोड़ा बहुत पॉकेट फ्रेंडली भी है तो भी ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो इंटेंस ब्लैक आईलाइनर है ना लिखा है, ये बिल्कुल ठीक चीज़ लिखी है, मैंने अभी राइट नाउ अप्लाई किया हुआ है तो आप देख सकते हो, तो बिल्कुल अच्छा है। बाकी ये जो कह रहे हैं ना स्मज प्रूफ, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने आज ही इसको अप्लाई किया था सुपर मार्केट जाने से पहले, और आप मेरे आंखों की हालत देख सकते हो, ठीक है, कि ये बिल्कुल स्मज प्रूफ जो ये लिख रहे हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा स्मज होता है, बहुत ज़्यादा फैल जाता है, ठीक है। तीसरी चीज़ इन्होंने, फर्स्ट चीज़ जो इन्होंने लिखी है क्विक ड्राई, तो बिल्कुल भी ये क्विक ड्राई नहीं होता। अगर ये क्विक ड्राई वाला सिचुएशन है ना, तो ये सूखा हुआ होता है, ये इस तरह से फैला नहीं होता। तो जो मैंने यहाँ अप्लाई किया था वो उतनी जल्दी सूखा नहीं, जो है वो उल्टा फैल गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि जी लाइट वेट टेक्सचर, गाइस बिल्कुल भी लाइट वेट टेक्सचर नहीं है इसका, दोनों का ही लाइट वेट टेक्सचर नहीं है, उसका भी टेक्सचर भी पता नहीं कैसा है, आई डोंट नो, मैंने वैसा मस्कारा देखा ही नहीं है। और ये वाला जो आईलाइनर है इसका भी टेक्सचर पता नहीं कैसा है, इससे जो स्किन है ना खिंची खिंची सी लगती है, आप देख सकते हो, कुछ ना लगाने के बाद ना खिंची खिंची सी स्किन लगती है, पता नहीं क्यों लगती है, कौन सी, जैसे वो चाइनीज़ कंपनी का माल नहीं होता, कुछ इस तरह का लग रहा है। तो मैं बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हूँ इन प्रोडक्ट्स को लेके, तो डेली बेसिस पे भी तो मैं तो आईलाइनर भी यूज़ नहीं करने वाली हूँ, बिल्कुल जो है ये बेकार, मेरे पैसे बिल्कुल वेस्ट हो चुके हैं इनको यूज़ करके। बाकी ये जो कह रहे हैं ना 24 आवर से ज़्यादा भी ये चलता है, तो बिल्कुल भी नहीं चलता, जो अभी इतना फैल गया है सारी आँखें जिसने ख़राब कर दी है, और मैं पूरी मार्केट घूम के ऐसे ही आ गई हूँ, मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं देखा कि मैं अपनी कम से कम आइज़ तो चेक लूँ, मैं पूरा मार्केट घूम के आ गई हूँ और हालत देख लो। तो गाइज मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप ब्लू हेवन के आईलाइनर और मस्कारा के ऊपर अगर अपना अपना पैसे लगाने वाले हो, तो बिल्कुल भी मत लगाना, बिल्कुल भी वर्थ ही नहीं है, बिल्कुल ही बेकार माल है, ठीक है। इससे बेटर तो आप NYBay के ऊपर जा सकते हो, NYBay का जो आईलाइनर है बहुत ही अच्छे, इससे ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। हाँ मस्कारा का ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि अगर आप डेली पर्पज़ पे आप उसको यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो, थोड़ा वो सूखने में टाइम लेता है, और सेम आईलाइनर का भी ऐसा है, ये भी सूखने में टाइम लेता है लेकिन ये फैलता भी है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो मेरे तो बिल्कुल पैसे वेस्ट है, बिल्कुल भी वर्थ ही प्रोडक्ट नहीं है ब्लू हेवन के, दोनों ये जो चीज़ें ये दोनों फेल है, बिल्कुल बकवास है, ठीक है। तो ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है, मेरा ऑनेस्ट जो भी रिजल्ट था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, और आप मस्कारा का भी हालत देख सकते हो कि मैंने मस्कारा लगाया हुआ है, तो मेरे को आपको लैशेस जो है ना ऊपर को करके दिखानी पड़ रही है, ये देखो कि मैंने मस्कारा अप्लाई किया हुआ है, तो ये इसका रिजल्ट है। तो गाइज़ इस तरह का था आज का ये रिव्यू वीडियो, आई होप आपको ये रिव्यू वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ फैमिली के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर आप इसको देख रहे हो तो ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि वो अपने पैसे 100-200 रुपये जितने भी लग रहे हैं तो वो उस इन इन चीज़ों पर वेस्ट ना करें। और साथ ही साथ गाइज़ अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ आपके साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।